साप्ताहिक बाजार सीएम केजरीवाल ने कहा कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में करेंगे देवी पार्वती मंदिर का शिलान्यास, 21 करोड़ में होगा तैयार। 50% आबादी को लग चुका टीका, मास्क भी अनिवार्य, तो फिर अमेरिका में क्यों बढ़ रहे कोरोना केस। ब्रज में भाजपा का चुनावी चिंतन, आगरा पहुंचे जेपी नड्डा और सीएम योगी, पदाधिकारियों से कर रहे संवाद। कोका कोला ने सीएम नीतीश से बिहार में मांगी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन, 30,000 करोड़ का होगा निवेश। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में एटा रोड पर बाबा जितेंद्र अपने नाती नैतिक के साथ मंदिर आए थे। मंदिर से टहलते हुए थोड़ा आगे बढ़े तभी बालू से भरे ट्रक ने तेजी और लापरवाही से टक्कर मार दी, जिससे नाती नैतिक ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाबा घायल हो गए, ट्रक चालक ट्रक को खड़ा छोड़कर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल बाबा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहीं ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। ये घटना हुई, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। क्या कौन क्या खत्म हुआ है? ये स्कूटी पे थे ये और ये लड़का खत्म हो गया है, दो भाग हो गए लड़के के। अच्छा, ये कहाँ की घटना है? ये एटा रोड गंगानगर की, एटा रोड गंगानगर। कहाँ के रहने वाले थे ये? कटामीरा। क्या नाम है उनका? पता नाम तो मैं नहीं मालूम। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। जनपद बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के हरहरपुर में पति को शराब पीने से रोका तो पति ने जंगल में जाकर फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक शराब पीने का आदी था, जिसके कारण घर पर आए दिन पत्नी से झगड़ा करता था। सुबह शराब पीने को लेकर पत्नी से झगड़ा करके गांव के बाहर अपने खेत पर चला गया था। शाम के समय जब मृतक बाबूराम अपने घर पर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने खेत पर जाकर देखा तो गन्ने के खेत किनारे लगे लिपस्टिक के पेड़ पर शव लटका दिखाई दिया, जिसके बाद पूर्व ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। जनपद मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के दिशा निर्देश पर 9 एवं 10 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ विधानसभा स्तर पर पदयात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक का आयोजन आज एक रेस्टोरेंट पर जिलाध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा एवं शहर अध्यक्ष जुनैद रहूप द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आज सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा ने कहा कि जिस तरह से मौजूदा सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उससे आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है और रोजगार की समस्या भी गंभीर है। वहीं 2022 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे और कांग्रेस पार्टी दोबारा से विधानसभा चुनाव में बाजी मारेगी। आज की सभा में मुख्य रूप से पंडित सुबोध शर्मा सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज देखिए, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय कुमार लल्लू जी, श्री पंकज मलिक जी और जितने भी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उन सब ने बैठ कर एक निर्णय लिया उत्तर प्रदेश में कि जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं उनमें प्रत्येक विधानसभा में एक जगह 9 और 10 अगस्त दो तारीख रखी हैं, उनमें ये महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जन समस्याओं के खिलाफ एक यात्रा निकाली जाएगी। और वो हमने यहाँ पर जो एक प्लान बनाई है, जैसे हमारी बगरा चरथावल विधानसभा है, पुरकाजी विधानसभा है और बुढ़ाना विधानसभा, इनमें 9 तारीख में हमारी यात्रा निकलेगी, उनका समय भी हमने दिया है। देहात में 9 तारीख को निकलेगी? नहीं, देहात में नहीं, अभी मैं बताऊंगा। तीन रखी हमने, तीन 9 तारीख में और तीन हमने 10 तारीख में रखी है। अच्छा, तो तीन विधानसभा में 9 तारीख को निकलेगी, तीन विधानसभा 10 तारीख को। जैसे खतौली है और हमारी मीरापुर है और मुजफ्फरनगर है, यहाँ 10 तारीख को होगी और बुढ़ाना, चरथावल और पुरकाजी 9 तारीख को यात्राएं निकलेगी। किन मांगों लेकर ये यात्रा निकाली जा? हमारी इसमें मांगे ये हैं कि एक तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई कम की जाए, जो बहुत ही पीड़ादायक है और आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अच्छा आदर जी, मेरा एक सवाल आपसे है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में बदल दिया, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की? देखिए, हमारी प्रतिक्रिया ये है कि जो स्तर राजनीति का गिर सकता है उससे भी अधिक ये लोग नीचे पहुंच गए हैं।
मुझे आप एक चीज़ बताओ, एक आदमी नहीं रहा, देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा, आज आप उसे क्या करना चाहते हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं ये कहकर जो है? अरे जो लोग नहीं रहे वो भी देश का एक माननीय नेता रहा, प्रधानमंत्री रहे देश के, उन्हें जो उनके नाम पे जो एक खेल रतन चल रहा था, इन्हें क्या परेशानी इस बात से, इन्हें चिड़ है। ये लोग जो हैं बदले की भावना से काम करते हैं, आज अगर इनके खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल देता है उसे पुलिस से पिटवा दें, उसे जेल में बंद करवा दें, उस पर मुकदमे लगवा दें। अगर इन्हें ये दिखाई देता है कि गांधी नाम से, राजीव गांधी के नाम से हो सके कांग्रेस को कुछ लाभ मिल जाए, तो राजीव गांधी से खत्म करें इन्हें। ध्यानचंद जी के नाम पे, वो भी हमारे सम्मानित एक प्लेयर रहे हैं, उनके नाम पे कोई एक और योजना शुरू कर देते, दूसरी योजना शुरू हो सकती थी उन्हें सम्मान देने के लिए। हम भी चाहते हैं कांग्रेसी भी कि ध्यानचंद जी को सम्मान मिले, लेकिन ये बदले की भावना से नाम, ये बदले की भावना से इन्होंने नाम बदला। और मैं इसे मानता हूँ, पहले भी मैंने कहा कि ये सबसे राजनीति का घटिया स्तर। तो क्या कोई किसी तरह का विरोध कांग्रेस कर रही है इस, सुनो इसमें ये हम वाणी से ही विरोध कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें विरोध करके, क्योंकि सत्ता में वे लोग हैं। हम वाणी से विरोध कर सकते हैं, इस बात को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें, लेकिन वे लोग सत्ता में हैं जिनके हाथ में। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा में स्टेट बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल कर ला रहे युवक युवती की स्कूटी की डिग्गी से अज्ञात बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए उड़ा लिए। स्कूटी की डिग्गी से 2.5 लाख रुपए से भरे बैग को निकाल कर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। वहीं 2.5 लाख की चोरी की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हर पॉइंट पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस ने SBI बैंक और घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों को खंगालते हुए जांच की है। कोतवाली नगर क्षेत्र के कचहरी रोड पर पोस्ट ऑफिस के सामने का है पूरा मामला। आए थे बैंक 2.5 लाख रुपया निकालने के लिए, क्योंकि हमारे घर पर लेंटर पड़ रहा है और उस लेंटर के लिए हमें पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके लिए सरिया और बाकी सब सामान खरीदना है। तो हम लोग बैंक से पैसे निकाल के गए हैं और जो हमारा लेंटर पड़ रहा है उसके लिए टेप की आवश्यकता थी, तो मिस्त्री ने कहा था कि टेप लेके आइएगा। तो हम लोग टेप लेने के लिए जैसे ही दुकान पर रुके हैं, पापा और ये दुकान में थे और इन्होंने वैसा छोटा टेप ले लिया, तो हम गाड़ी पे ही खड़े थे, हमने कहा हम जस्ट दुकान में गए हैं कहने के लिए कि छोटा टेप मत लो, थोड़ा बड़ा टेप ले लो, और बस वहाँ टेप लिया है। फिर वहाँ पेमेंट करनी थी, उन्होंने कहा कि जाओ गाड़ी में से पैसे निकाल, पापा ने कहा नहीं नहीं मेरे पास हैं, तो हम पापा ने अपने पास से दे दिए, वैसे ही हम लोग टेप लेके उतर आए। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ मेरे फादर थे और ये बैठे हैं। क्या नाम है? इनका नाम अभिषेक। खबर है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से। जनपद अंबेडकर नगर से शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि TGT की परीक्षा का पेपर एग्जाम देने से पहले लीक हो गया। आपको बता दें किसान इंटर कॉलेज पगड़ी भोजपुरा टांडा में TGT स्थानक ट्रेनिंग परीक्षा 2 पारियों में होनी है, जिसमें जनपद में कई सेंटर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में जनपद में व जनपद के बाहर के हजारों छात्र छात्राओं द्वारा TGT का एग्जाम दिया जाना है। पहली पारी में जिसका पेपर परीक्षा से पहले आउट हो गया, जिसको लेकर छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए। कॉलेज की सूचना पर आला अधिकारी मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे और छात्र छात्राओं को समझा बुझा कर पेपर दिलवाए। यहां पर ये जो TGT एग्जामिनेशन है, सो फर्स्ट पाली का जो एग्जामिनेशन आज सुबह इस कॉलेज में जो पगड़ी भोजपुर में शेड्यूल था, लगभग 600 कैंडिडेट्स यहाँ पर TGT के सुबह वाले सेशन में एग्ज़ाम देना चाहिए था। तो हम लोगों को शिकायत मिला है 9:45 करीब करके, यहाँ पर सेंटर में कुछ लोग ऐसे बवाली कर रहे करके यहाँ पर मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब बंडल जो है वो सील खोल के मिला है। उसके बाद मैं और SP साहब यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर जांच पड़ताल की है और हम लोगों ने ये पता चला कुछ केंद्र स्थापक द्वारा अपने आप कुछ सीटिंग प्लान में इन लोगों ने चेंज किया है। इनको कहना है कुछ CCTV में कुछ समस्या था सर, इसमें जहाँ पर CCTV कैमरा नहीं चल रहा है उसको बच्चे को दूसरे कक्षा में अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है, बट इसमें कुछ बच्चे ने विरोध किया है और बाकी लोगों को भी प्रभावित करके सारे बच्चे लगभग 600 बच्चे हैं बाहर आके धरना में बैठने लगे और एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं थे। मैं और जनपद की कप्तान यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और उसके बाद बच्चों के वार्ता किया है और बच्चों को कन्विंस करने के लिए बहुत कोशिश किया है, उनके भविष्य के दिखाते हुए हम लोग ने कहा है एग्ज़ाम अटेंड कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी हम लोग आपको दिया जा सकता है, बट उन्होंने माना नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने अभी जो सेकेंड सेशन है उसको तैयारी में लगे हुए हैं, जो सेकेंड सेशन इस सेंटर में नहीं है बट 9 अन्य सेंटरों में जनपद में सेकेंड बैच एग्जामिनेशन होना है। पेपर हम लोगों के पास जो बंडल ले आए थे सब खुला खुला बिखरा हुआ ले आए थे, खाली रखा था। बंडल पहले से ही खुला था? हाँ, पहले से खुला था जी। सर हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घर पे पढ़ रहे थे, एकदम पूरा पेपर खुल के आया था, कहने पे सर
पर डांट देंगे, पेपर उठा के रख लेट ले। पेपर पहले से ही खुला था, तो अभी तक तो पेपर का दर्शन ही नहीं किया है। कुछ पेपर लगा था, 20 मिनट बाद पेपर ये लोग लेके आए रूम, 20 मिनट का और आधा घंटा। कितने बजे से होना था? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।